नमस्कार दोस्तों, इट्टे ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एलटी पैनल के बारे में कुछ बताने वाले हैं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह एक एलटी पैनल है जिसमें डीजी ईवी की सप्लाई कनेक्ट हुई है। ये आप देख रहे हैं कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक का पुश बटन है, 10 केवीआर के कैपेसिटर बैंक है ये, 10 प्लस 10 टोटल 20 हो गया। यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन, स्टार्ट स्टॉप, रेड कलर का जो दिख रहा है ऑटो मैनुअल स्विच है। कैपेसिटर बैंक ऑटो मैनुअल स्विच, अब ये जो आपको दिख रहा है ये डीजी का इनकमर है, यहीं से डीजी ऑन और ऑफ होगा, स्टार्ट स्टॉप। एमसीसी भी लगा हुआ है उस इस पैनल में। लोड कनेक्ट करने के लिए पीपीएन लगा हुआ है, एलएनटी का एमसीसी भी है जो मेन इनकमर को ऑन और ऑफ करता है। लोड कनेक्ट करने के लिए चैम्बर्स हैं। नीचे आपको एक ब्रेकर दिख रहा है, यहाँ से कैपेसिटर बैंक का सप्लाई गया हुआ है। ये बस कपलर का पैनल है, बस कपलर अभी ऑन है, येलो कलर वाली बस कपलर की है। दो पैनल है इसमें, दो डीजी के लिए। ये ईवी सप्लाई का है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। यहाँ से मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई आएगी, उसका टर्मिनेशन होगा। फिर से आप देखिए, ये डीजी वन के लिए है, यहाँ पे एक दूसरा डीजी कनेक्ट होगा जो अभी ऑन कंडीशन में है। इस पैनल पे ये लोड के लिए टीपीएन लगा हुआ है, और देखिए नीचे भी टीपीएन लगा हुआ है, यहाँ भी लोड कनेक्ट होगा। डीपी लगा हुआ है, डबल पोल एमसीबी, यहाँ भी लोड कनेक्ट होगा सिंगल फेज का। अब आपको दिखाते हैं बस बार चैम्बर, यहाँ पे केबल का टर्मिनेशन होगा, होता है। देखिए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, बहुत सारे केबल आई हुई है और उसका टर्मिनेशन किया गया है, कनेक्शन किया गया है। उसके नीचे आप देखिए कि यूपीएस दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये यूपीएस है इसमें पैनल को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए। ये उसके हुटर्स है, ये इमरजेंसी स्विच है जिससे हम डीजी को इमरजेंसी में बंद कर सकते हैं या इमरजेंसी लगा करके बंद कर सकते हैं। ये पैनल दिख रहा है आपको 62.5 केवीए डीजी के लिए है। ये ईवी सप्लाई का है, यहाँ से ईवी सप्लाई कनेक्ट होगी। ईवी सप्लाई की कंट्रोलिंग के लिए कुछ ब्रेकर्स रिलेज लगी हुई है, पीएलसी लगा हुआ है। इसमें भी ऑटो मैनुअल मोड के लिए स्विच लगे हुए हैं। और दूसरा दिख रहा है 160 केवीए डीजी के लिए, एमसीसी भी ब्रेकर लगा हुआ है। और लास्ट में आपको कैपेसिटर बैंक पैनल दिख रहा है। ये रहा ओवरऑल व्यू एलटी पैनल का। अब ये डीजी देख लीजिए, दो डीजी है, एक 62.5 केवीए का है एंड सेकेंड वाले 160 केवीए का। डीजी के ऊपर हमने डक्ट लगवा रखा है जिससे हीट की प्रॉब्लम ना हो और हॉट एयर बाहर चला जाए। महिंद्रा के दो डीजी हैं, 160 केवीए की और 62.5 केवीए की। हमने स्मोक के लिए भी पाइप लगा रखा है जो टेरेस पे स्मोक लेके जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।